पहले जो इसको रिकवरी पोजीशन में लाना है, इसके पाँव को रखना है इस प्रकार से, ठीक है, और हाथों को रखना है इस प्रकार से, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो है इसकी इसको क्या करना है, तिरछा कर देना इस प्रकार। अब ले आइए इस टीचर से और पास लगाइए, बस आप हरकत मत करो इसे। फिर जो इसको क्या करना है, धीरे धीरे से इस प्रकार से जो है क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ पर इसकी इंजरी हुई है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले जो है सेफ रहेगा, नहीं तो अगर हमने जो है दो हाथ यहाँ से दो पाँव उठा के चल दिए तो 101% है कि उसकी जो है स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल बोन इंजरी होना तय है, ठीक है, ठीक है। अगर बांधने के लिए अगर आपके पास तो इस रस्सी से हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, नहीं अगर आप रोड पर हैं, रोड से सिर्फ जो है ऊपर कावड़ में तो बांधना 101% बांधना है, लेकिन सपोज दैट हम रोड पर हैं उसको जो है एम्बुलेंस पर बिठाना है, ठीक है, उठाइए भाई इनकी फोटो खींचो भाई साहब, चलिए आइए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का अगर आपने हेलमेट पहना है तो ये है कि 90% या 95% चांस आपके बचने के हैं, ठीक है। मेन है स्ट्रैप, हेलमेट तो हमने पहन लिया लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैप ढीला छोड़ रहे हैं, छोड़ते ही नहीं छोड़ते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने हेलमेट पहना है इस प्रकार से, तो ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप को ढीला कभी नहीं छोड़ना है, स्ट्रैप को इतना टाइट करना है कि आपकी जो है सिर्फ दो फिंगर रन होनी चाहिए आपकी, चले कोई बात नहीं, तो टाइट हो रहा है। इसका नियम पता क्या है, इसके अंदर जो है दो फिंगर रन होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा बाइक का हेलमेट हो या माउंटेनिंग का हेलमेट हो, ठीक है, तब जो है सेफ है। अगर दो फिंगर इसमें रन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये समझ लो कि अगर इसके ऊपर कोई भारी ऑब्जेक्ट गिर जाए तो ये क्या हो जाएगा, हेलमेट खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है।